बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, दैट इज द मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज की अगर हम बात करेंगे, वन ऑफ द फूड इज मसल टिश्यू जो है, इट्स वन ऑफ द फोर बेसिक टिश्यूज। जो बेसिक टिश्यूज होते हैं इनमें, अमंग द फोर बेसिक टिश्यूज में इट्स वन अमंग द फोर बेसिक टिश्यूज की। इट्स डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर टिश्यूज, इट्स वेरी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर टिश्यूज, ये डिफरेंट होता है क्योंकि भाई इट्स एबिलिटी, इसकी एबिलिटी और इसकी जो कंट्रैक्ट है, बाय एबिलिटी इसकी जो बाय द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी, कंट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, एंड हाउ इट परफॉर्म द मैकेनिकल वर्क, इसके मैकेनिकल वर्क के हिसाब से, और जो इसकी एबिलिटी टू कंट्रैक्ट है, कंट्रैक्ट करने, कंट्रैक्शन करने की, उसकी वजह से इट्स वेरी डिस्टिंक्टिश, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टिश्यूज। जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल टिश्यूज होता है इज द मसल सेल, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल टिश्यू इज द मसल सेल, विच हैज एन इलोंगेटेड शेपर जो होती है, इलोंगेटेड शेप मीन्स इट इज ए डल शेपर्ड, जिसको मसल फाइबर भी कहा जाता है, मसल फाइबर भी कहा जाता है। जो मसल सेल होता है और मसल फाइबर होता है, दे आर यूज जैसे कि इंटरचेंजेबली भी इसको इस्तेमाल करता है, मसल सेल और मसल फाइबर को, दे आर यूज इंटरचेंजेबली। सिंपली जो ये मसल टिश्यूज होते हैं, स्केलेटल मसल, पहले हम थोड़ा सा मसल्स की बात भी इसी के साथ करेंगे। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दैट आर कनेक्टेड टू द बोन, एंड उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं मसल, द कम्बिनेशन ऑफ मसल्स, बोन टिश्यूज, बोन मसल्स जो होते हैं और जो बोन टिश्यूज होते हैं, दे अलाउ डिफरेंट मूवमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो मसल्स होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ ऑर्गेनिज, मसल्स आर ऑल्सो कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज, जैसे कि इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन द दे ऑल्सो मेक ब्लड वेसल्स। जो मसल्स होते हैं दे आर डिफरेंट शेप, स्ट्रक्चर, साइज, all muscles cannot be characterized as, जैसे कि smooth muscles, cardiac muscles या muscles, skeleton muscles। अभी हम क्या है, little bit there is a comparison between the muscle tissues। पहले first we will make the characteristics of skeleton muscles, smooth muscles और cardiac muscles। first we will see the location, जो कि यहाँ पे मैंने बढ़ाया है, पहला is the characteristics, दूसरा is the skeleton muscles, smooth muscles और cardiac muscles। करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट वी विल सी द लोकेशन, जो कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, वो ये है कि फर्स्ट फर्स्ट इट इज द लोकेशन। लोकेशन जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। नंबर टू, जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल एक्स्ट्रा। नंबर थर्ड, जो कॉर्डिक मसल्स होते हैं उनकी लोकेशन होते हैं वॉल्स ऑफ द हार्ट्स पे, और दे आर अराउंड अबाउट द वॉल्स ऑफ हार्ट्स, हार्ट के अग्रित ही होती है। नंबर टू इज द टाइप ऑफ कंट्रोल, जो फर्स्ट स्केलेटन मसल्स होते हैं इनमें होता है वॉलेंट्री कंट्रोल, मीन दे आर अंडर आवर विल, दे आर आवर अंडर हमारी अंडर होते हैं, हमारे विल के अंडर होते हैं, हमारे ऑर्डर्स के अंडर होते हैं, वी कैन मेक सच काइंड ऑफ मूवमेंट। नंबर टू, स्मूथ मसल जो होते हैं वो हमारी कंट्रोल के अंडर नहीं होते हैं, दे आर इनवॉलेंट्री नोन है, और कॉर्डिक मसल जो होते हैं वो भी इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मसल आर दोज विच आर अंडर आवर ओन विल, और इनवॉलेंट्री मसल आर दोज मसल विच बाय विच दे वर्क, जो वर्क वो करते हैं under the unconscious control of our body, वो करते हैं to some extent, they are guided by the unconscious part of our mind, but to some extent they are known as involuntary, उन पर direct control नहीं होता है, they have been set their target, उनको target होता है, they have to do that work, वो खुद करते हैं। Number टू, number थर्ड, that is the shape of fibers,
जो स्केलेटन मसल्स का शेप ऑफ फाइबर्स का होता है वो है इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल मीन्स द शेप होती है इसको, मसल वो सिलेंड्रिकल भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं, डाल शेपड होती है जिसको बोलते हैं। जो स्मूथ मसल्स होती है उनकी जीप शेप होती है फाइबर्स की, वो भी इलोंगेटेड होती है, स्पिंडल शेपड होती है, इलोंगेटेड। और जो कार्डिक मसल्स होती है उनकी भी इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल होती है। नंबर थर्ड, स्ट्रेशंस, स्ट्रेशंस होती है। स्ट्रेशंस मीन्स हाउ मच स्ट्रेट दे आर, स्ट्रेशंस मीन्स हाउ मच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर द स्ट्रेट। उनमें स्ट्रेट मसल्स जो स्केल्टन मसल्स उनको स्ट्रेट मसल्स भी कहा जाता है, और जो स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स होती है उनको नॉन स्ट्रेट मसल्स, स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्रेट मसल्स कहा जाता है और कार्डिक मसल्स को भी स्ट्रेट मसल्स ही कहा जाता है। स्ट्रेशन उसमें प्रेजेंट होती है, स्केल्टन मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स में एबसेंट होती है और कार्डिक मसल्स में भी प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर फाइबर, फाइबर में कितने न्यूक्लियस होते हैं? जो स्केलेटन मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स में देयर आर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द फाइबर। जो स्मूथ मसल्स होते हैं देयर इज वन न्यूक्लियस पर फाइबर, और जो कार्डिक मसल्स होते हैं देयर आर वन आर टू न्यूक्लियस पर फाइबर में होते हैं। नंबर सिक्स, दैट इज द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। जो स्केलेटन मसल्स होती है उसकी जो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस होती है इन सेल में वो होती है पेरिफेरल, दैट मीन्स इट्स नियर अबाउट टू साइड बाउंड्री लाइन जिसके बोलते हैं पेरिफेरल, मीन्स इट विल बी इन द साइड। बट इन द स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स में इट्स इन सेंट्रल पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेंट्रल होती है। नंबर सिक्स, कैरेक्टरिस्टिक स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन। स्केलेटन मसल्स में स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन मोस्ट रैपिड होती है और स्मूथ मसल्स में स्लो होती है, और कॉर्डिक मसल्स में इट इज इंटरमीडिएट, ना ज्यादा फास्ट होती है ना ज्यादा स्लो होती है। एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, एबिलिटी टू रिमेन कंट्रैक्टेड। नंबर फर्स्ट, स्केलेटन मसल्स में लीस्ट होती है, स्केलेटन मसल्स हैव द लीस्ट एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, बट स्मूथ मसल्स हैज द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, और कार्डिक मसल जो होते हैं दे हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, इंटरमीडिएट एबिलिटी होती है उनमें, इंटरमीडिएट ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। थैंक यू वेरी मच।